हाँ, आपका नाम भैया जी? मेरा नाम अमरेश गुप्ता, ग्राम मजिला, पोस्ट बेतौरा, जिला रायबरेली। अच्छा, यह बताइए कि आप सुना बड़े बड़े तीर्थ घूम आए हैं। जी हाँ जी गुरु जी, मैं सबसे पहले वैष्णो देवी गया हूँ। वैष्णो देवी से भी चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, उसके बाद बंगलामुखी माता जी के दर्शन करते हुए फिर प्रस्थान हमने किया बालाजी के लिए, जहाँ पे हमने सालाजी का दरबार देखा और इच्छा पूर्ति बालाजी, पंचमुखी बालाजी, उसके बाद फिर मेहंदीपुर बालाजी। मैंने चार धाम बालाजी के किए। वहां से दर्शन करते हुए फिर अपने गांव आए, लेकिन वहां से मुझे कोई फायदा ना मिला। जो फायदा हमने खुद स्वयं यहाँ पे बंदर भोज करके देखा जी। और उसके बाद हमारे नाना जी, हमको साथ लेकर रोटियां बंदरों खिलाने के लिए हमेशा प्रतिदिन का नियम था कि सुबह जो है रोटी बना के और बंदर भोज के लिए हम लोग निकल जाते हैं। सुबह 6 से 7 के बीच में हम लोग रोटी लेकर बंदर भोज करने हमेशा प्रतिदिन जाते हैं और सालों साल से ये चल रहा है, ये प्रक्रिया सालों साल चल रही है। हमें ये फायदा मिला कि जो हमारे दुख तकलीफ पहले थी उससे अब कहीं बेटर हो गया है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो चिंताएं थी चिंता मुक्ति हो चुकी है। और इसी तरह हम सोच रहे हैं कि हमारे जो भाई हैं, बंधु हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि सारे काम छोड़कर बंदर भोज में लग जाएं। जिनसे शक्ति उनसे बड़ी शक्ति किसी में नहीं है, कहीं नहीं। जो हनुमान जी स्वयं इस समय हैं, जो जिंदे हैं, मूर्ति में नहीं, जिनको खिलाने से, जो जिंदा हैं, उनके आप पूजा करके देखिए, उनको आप खिला के देखिए, उनसे क्या शक्ति मिलती है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ सालों साल से 8 बंदर हमारे शीतला माता दरबार में गढ़ चुके हैं। और ये 8 बंदर तभी से, मैं जब से बालाजी से आया हूँ, उनकी पूजा करने में लग गया हूँ, तभी से मैं देख रहा हूँ कि हर मंगलवार या शनिवार के दिन यहाँ पे अपना शरीर को त्याग देते हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी दफना देते हैं। मतलब बंदर भोज से आपने एक आश्चर्यजनक चमत्कार देखा। यही हमारे ठाकुर राम सिंह का कहना है जी, जो हमारे लिए पपीता लेके बैठे हुए हैं। इनका भी यही कहना है कि 50,000 नहीं, लाखों रुपए भोज में, भंडारा में, साधुओं की सेवा में इन्होंने लगाया। ठीक, और सुई के नोक बराबर इनका कोई चमत्कार इन्होंने नहीं देखा। जब से हमारा इनका संगत हुआ जी, हमने इनको बताया कि महाराज आप बंदरों की सेवा करते रहो, आप आने वाले समय में चमत्कार देखिएगा। उस चमत्कार को राम सिंह ने देखा जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज आप आपसे बल्कि मेरे लिए कोई गुरु आज तक नहीं मिला। ये उनके शब्द हैं। ये जो हनुमान मंदिर इनका जो निर्माण करवाएंगे यहाँ पर जी। उस मंदिर में मैं पूरी दुनिया के भक्तों से कहूँगा कि आप लोग उसमें हर कोई मिलकर सहयोग करो जी। हर कोई, ताकि ये शनि मंगल नाम का हनुमान मंदिर ये इसका ये निर्माण हो जाए। यहाँ जो भी मानता मानेगा जी, उसका काम बनेगा। और साथ ही साथ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपने उस गुप्ता बिरादरी को एक संदेशा दें जी। वो रायबरेली में बहुत पैसे वाले हैं जी, हैं गुप्ता जी। उन्होंने हमको एक बैटरी से चलने वाला एक स्कूटर उन्होंने हमको दान में दिया जी। तो उन्होंने कहा गुरुजी इस समय अगर आप 9,000 रुपये जमा कर दें तो हम नई बैटरी डलवा दें जी। तो हमने दान की चीज में हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 25-26 हज़ार गाड़ी है, 9,000 दे दो। 9,000 मैंने उनको दे दिया जी। उन्होंने नई बैटरी नहीं डाली। देखते जाइए आप, ऐसे गुप्ता लोगों के लिए आप अपना संदेश दीजिएगा। मैं दोबारा आऊंगा, मैं फिर आपकी वीडियो बनाऊंगा। वो 3 महीने गाड़ी चली हमारी यहाँ, 3 महीने में उसमें 13 कर्म हमारे हो गए। ठीक, 13 कर्म हो गए। अंत में ऊब के मैंने गाड़ी उनकी वापस कर दिया जी। तो हमने कहा महाराज ये बंदर भोज के लिए गाड़ी काम आई है, इससे न मैं मार्केट गया हूँ, न ही मैं ससुराल गया हूँ, न मैंने इस्तेमाल किया है, ये केवल बंदर भोज ही मैंने किया है। आप इतने बड़े आदमी हैं, गुप्ता हैं, गुप्ता अग्रवाल जो है ये दान के मामले में पूरी भारत में जाना जाता है, तो आप ऐसा करें कि ये गाड़ी वापस ले लीजिए। बड़े मुश्किल में वापस लिया। तो हमने कहा भैया पैसा कहें, बाबा जी अब देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। और बीच में उसमें
वो थे मौजूद, एक विजय गद्दा वाला है रायबली में, उन्हीं का पड़ोसी है, वो भी गुप्ता है जी। तो विजय गद्दा वालों ने कहना, हाँ महाराज तो ऐसा है वैसा है, 3500 आपका दे दिए शायद, तो आप उन गुप्ता जी को हम आपको मोबाइल नंबर देंगे, उनको धिक्कारिएगा। कह रहे मूर्ख, जो हम लोग हनुमान जी का चमत्कार देख रहे हैं, तो अपना सर्वनाश चाहता है, एक दान किया हुआ चीज और साधु संत से तू पैसे ले रहा है, उस बात का जो जिंदा रहेगा कि मरेगा जी, है सीधी सी बात जी, जी। तो 9000 रुपया हमारा उसके यहाँ जमा है, मैंने कहा गुप्ता जी हमें पैसा मत दो, तो हमें गेहूं खरीद खरीद के तुम जाके खुद ही बंदर को दे आओ, हमें गेहूं भी मत दो। अब इससे बढ़ के कोई बात कहेगा जी नहीं कि हमारे 9000 गए तो गए, तुम वो अपनी बचाओ में 9000 का गेहूं बंदरों को जाके खिलाते रहो, और नहीं कोई बड़ा भारी तुम्हारे यहाँ कोई विध्वंस न हो जाए जी। तो मैं वाणी को विराम देना चाहता हूँ, आप अपना नाम फिर से बताइए। मेरा नाम अमरेश गुप्ता जी, ग्राम मजलहा थाना डी जिला रायबरेली। अच्छी ठीक है, धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी बात कही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।